नमस्कार एंड हेलो एवरीवन, धर्मीज केक एंड बेक में आप सबका स्वागत है। आज हम बहुत सारे फ्रेंड्स की रिक्वेस्टेड रेसिपी चॉकलेट ट्रूफल केक बनाने वाले हैं, जो टेस्ट में बहुत ही अमेजिंग लगती है और बनाने में भी बहुत ही आसान है। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हमने ये केक रेसिपी रिलेटेड सारी बातें आपके साथ शेयर की है और छोटी छोटी टिप्स भी आपके साथ शेयर की है जो आपको हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना चॉकलेट ट्रूफल केक। यहाँ ट्रफल बनाने के लिए मैंने 400 ग्राम्स ऑफ डार्क चॉकलेट लिया है और 200 ग्राम्स ऑफ अमूल फ्रेश क्रीम का यूज किया है। ट्रफल और गनाश में एक ही फर्क रहता है कि दोनों का रेशियो अलग अलग रहता है। ट्रूफल का रेशियो 1:1 रहता है, मतलब कि जितना हमने चॉकलेट लिया है उतनी ही हम फ्रेश क्रीम लेंगे, और गनाश का रेशियो 2:1 होता है, मतलब जितनी हमने फ्रेश क्रीम ली है उसका डबल हमें चॉकलेट लेना है। लेकिन यहाँ हमने गनाश का ही रेशियो लिया है, क्योंकि गनाश के रेशियो में से हम आसानी से फ्रॉस्टिंग भी कर सकते हैं और उसका लेयरिंग भी कर सकते हैं, इसलिए मैं तो गनाश का ही रेशियो ट्रूफल के लिए यूज़ करती हूँ। अब हमने फ्रेश क्रीम को एकदम लो फ्लेम पर गर्म कर लिया था, अब हम फ्रेश क्रीम को चॉकलेट में ऐड कर लेंगे। अब बस 2 मिनट के लिए ऐसे ही रहने देंगे, चॉकलेट आसानी से अंदर ही मेल्ट हो जाएगा, तब तक हम केक का बैटर बना लेंगे। यहाँ मुझे 1 kg का केक बनाना है, इसलिए मैंने यहाँ 7 inches का टिन यूज़ किया है। मुझे इसे ग्रीस करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं यहाँ ओडी इको बेक पेपर यूज़ करने वाली हूँ, और ये पेपर की वजह से हमारी बेकिंग और भी आसान हो जाती है। क्योंकि ये ग्रीस प्रूफ है, इसलिए सिर्फ हम ओडी इको बेक पेपर इस तरह से कटिंग्स करके लगा देंगे तो हमारा केक बिल्कुल भी टिन पर स्टिक नहीं होगा और एकदम आसानी से अनमोल्ड हो जाएगा। तो हम इस तरह से ओडी इको बेक पेपर को टिन में अरेंज कर लेंगे। हमें आज 1 kg का केक बनाना है, इसके लिए मैंने यहाँ 400 ग्राम्स प्रीमिक्स लिया है। आप कप के मेजरमेंट से देखने जाए तो यहाँ मैंने 2.5 कप प्रीमिक्स लिया है, जिसमें हम 1.5 कप पानी ऐड करेंगे और मिला लेंगे। मैंने यहाँ सिर्फ और सिर्फ पानी ही ऐड किया है, क्योंकि ये बाहर से रेडीमेड लाया प्रीमिक्स है, इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ पानी ही ऐड करेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। बैटर मिलाते वक्त हमें ध्यान रखना होगा कि इसमें एक भी लम्स रहने नहीं चाहिए। अभी हमारा ये बैटर रेडी है, हम इसे टिन में पोर करेंगे और बेक करने के लिए रख देंगे। अब 2 मिनट के बाद हमारा ट्रूफल ये रेडी हो चुका है। अब हम इसे 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे, ताकि हमारा ट्रूफल थिक हो जाए, ताकि हम लेयरिंग और फ्रॉस्टिंग इससे आसानी से कर सकें, इसलिए हम इसको 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। पंद्रह मिनट के बाद हमारा ट्रूफल परफेक्टली रेडी हो चुका है। अब हम इसे पाइपिंग बैग में भरकर केक पर फ्रॉस्टिंग करेंगे और केक के अंदर लेयरिंग भी करेंगे। अब मैंने केक को यहाँ बेक होकर 1 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया था, तो हम इसे अनमोल्ड करके भी देख लेंगे। देखिए फ्रेंड, हमारा केक बिल्कुल भी टिन पर चिपका नहीं है और आसानी से अनमोल्ड हो गया है, तो हमारी बेकिंग भी फटाफट हो जाएगी और हमें डस्टिंग करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। हमने ओडी इको बेक पेपर की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो आप उधर जाकर चेक कर सकते हो। अब हम ओडी इको बेक पेपर हटा देंगे
और केक स्पॉन्ज को 3 लेयर्स में कट कर लेंगे। हमने मिडल लेयर को नीचे रखा है और इस लेयर को अच्छे से पानी से सोक कर लेंगे। अब हम इस पर हमने जो ट्रूफल बनाया है वो ऐड करेंगे। क्रंच के लिए थोड़ी चोको चिप्स भी ऐड करेंगे। अब हमारा जो टॉप लेयर था वो हम बीच में रखेंगे और अच्छे से पानी से सोक कर लेंगे। अब हम ट्रूफल और चोको चिप्स दोनों ऐड कर लेंगे। जो बॉटम लेयर था वो ऊपर रखेंगे और अच्छे से सोक कर लेंगे। फ्रेंड्स, लेयरिंग करने के बाद हम इस केक को 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे और बाद में ही हम हमारा केक का फाइनल फिनिशिंग करेंगे। अब 10 मिनट के बाद अब हम केक का फाइनल फिनिशिंग करेंगे। पाइपिंग बैग में ट्रूफल भरकर पूरी केक को ट्रूफल से कवर करेंगे। फ्रेंड्स, हमें यहाँ ध्यान रखना होगा कि जब भी हम ट्रूफल बनाएं हमेशा फ्रेश क्रीम से ही बनाएं, क्योंकि फ्रेश क्रीम से हमारा टेक्सचर एकदम बेकरी स्टाइल होगा और टेस्ट में भी बहुत रिच लगेगा। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी आप घर की मलाई या दूध से ना बनाएं। अब हमारा ये पूरा केक कवर हो चुका है। अब मैंने यहाँ गर्म पानी वाला ग्लास लिया है, इसमें हम हमारा स्पैचुला डिप करेंगे और स्पैचुला से ही इस तरह से केक की फिनिशिंग करेंगे। फ्रेंड्स, हमें यहाँ एक और बात का ध्यान रखना होगा, जब भी हम ट्रूफल केक बनाएं तो उसकी फिनिशिंग करने के लिए हमेशा हम गर्म पानी का ही यूज़ करें, तो ही इसकी फिनिशिंग एकदम परफेक्ट आएगी। अब मैंने यहाँ इस तरह से कोम ले लिया है, जिससे हम केक की साइड्स पर रखकर केक की साइड्स पर डिजाइन कर लेंगे। अब मैंने यहाँ जो ट्रूफल था उसको ही डबल बॉयलर करके मैंने थोड़ा इसको फ्लोइंग कंसिस्टेंसी बना दिया था। फिर इसमें मैंने 1 चम्मच न्यूट्रल जेल ऐड किया। गनाश में न्यूट्रल जेल ऐड करने से गनाश की शाइनिंग आ जाती है और जब हम ड्रिप्स करते हैं या कोई भी केक पर डिजाइन करते हैं तो वो एकदम अच्छा दिखता है, जिसे हम चॉकलेट ग्लेज भी कहते हैं। तो बस ये हमारा चॉकलेट ग्लेज तैयार हो गया। अब हम इसे पाइपिंग बैग में भर लेंगे। मैंने यहाँ सिर्फ सिंपली कट लगा दिया है और मैंने केक पर इस तरह से डिजाइन कर ली है। अब हम यहाँ नूर का N2 नोजल यूज करेंगे और इसे पाइपिंग बैग में डाल देंगे। अब मैंने यहाँ पाइपिंग बैग में ट्रूफल भी भर दिया है। अब हम केक पर इस तरह से रोजेस बनाएंगे। फ्रेंड्स, गर्मी में ट्रूफल से काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ही गर्म रहता है और चॉकलेट बहुत आसानी से पिघलने लगती है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि जब भी कूल टेम्परेचर हो वहाँ आप ट्रूफल से काम करें। फ्रेंड्स, आप ट्रूफल केक की प्राइस 1000 से 1200 तक ले सकते हो, क्योंकि ये डच ट्रूफल केक
सिंपली ट्रूफल से बना है, इसलिए ये एक प्रीमियम कैटेगरी का केक है, तो ये केक के चार्जेस हाई होते हैं। अब हमने यहाँ गार्निशिंग के लिए इस तरह से चॉकलेट बॉल्स है वो हमने इस तरह से एक एक रोज के बीच में लगा दिए हैं। अब मेरे पास यहाँ ग्रेटेड व्हाइट चॉकलेट है जो हम केक के बॉटम पर इस तरह से लगा देंगे। मैंने यहाँ पैलेट नाइफ की हेल्प से इस तरह से व्हाइट चॉकलेट लगा दी है। तो फ्रेंड्स, दिख रही है ना हमारी केक एकदम ही ब्यूटीफुल। ये केक टेस्ट में बहुत ही अमेजिंग लगती है और बहुत ही रिच लगती है। अगर आप ऑर्डर्स लेते हो और आपके कस्टमर्स पूछते हैं कि व्हिपिंग क्रीम के बिना कोई केक बनता है क्या, तो आप ये केक ज़रूर सजेस्ट कर सकते हो क्योंकि ये केक का टेस्ट बहुत ही अमेजिंग रहता है। हाँ, इसकी प्राइस हाई होती है लेकिन ये केक का टेस्ट बहुत ही अमेजिंग रहता है और बहुत ही रिच लगता है। तो फ्रेंड्स, आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपको ये केक की डिज़ाइन कैसे लगी वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके इंस्पायरिंग कमेंट्स से हमें बहुत ही इंस्पिरेशन मिलती है। और आपको हमसे और कौन कौन सी रेसिपी जाननी है वो भी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, धर्मीज केक एंड बेक में हम हर छोटी छोटी बात आपके साथ शेयर करते हैं, तो धर्मीज केक एंड बेक को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो फ्रेंड्स बिगिनर है या बेकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए भी बहुत ही आसान रहेगा। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा वो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। हम तो हमारा ख्याल रख ही रहे हैं, आप भी अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। मैं और मानसी फिर मिलेंगे ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक केक बनाइए और सबको खिलाइए और एंजॉय कीजिए।